नमस्कार, एमकेएन न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ का विश्व कॉरिडोर और अब उज्जैन में महाकाल लोक देश को समर्पित होने वाला है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कॉरिडोर का नाम बदलकर महाकाल लोक कर दिया है। पहले चरण का कॉरिडोर बनाने में तकरीबन 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। महाकाल कॉरिडोर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया है। दिन हो या फिर रात, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाकाल निर्विकार है, महाकाल निरंकार है, महाकाल मानवता का विचार है, महाकाल सृष्टि का आधार है, महाकाल आराध्यों के आराध्य है, महाकाल साधुओं के साध है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर इन दिनों पुलकित और प्रसन्नचित्त है। यहाँ के महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर का वैभव एक बार फिर समूची सृष्टि में गूंजने वाला है। वर्ष 1235 में आक्रांता इल्तुतमिश द्वारा तोड़े जाने के बाद वर्ष 1734 में यहाँ मराठा शासक राणोजी शिंदे का शासन स्थापित हुआ और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके करीब 300 वर्ष बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कालखंड में यहां महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। नव निर्मित महाकाल लोक विध्वंस की तमाम कहानियों को पीछे छोड़कर सनातन धर्म के वैभव की अनूठी कथा कहने के लिए तैयार है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसे लोकार्पित करने उज्जैन पहुँच रहे हैं। महाकाल लोक पौराणिक कालखंड से लेकर वर्तमान तक का आख्यान है। इसमें जहां पुराणों में वर्णित शिव कथाओं का वर्णन है, वहीं निर्माण और साज सज्जा में अत्याधुनिक शैली और तकनीक की झलक देखने को मिल रही है। ये पीएम मोदी के विजन और धर्म के प्रति समर्पण, सनातन धर्म के विद्वानों के वैचारिक सृजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दृढ़ संकल्प और स्थानीय प्रशासन की प्रतिबद्धता से बनकर तैयार हो सका है। महाकाल लोक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने एक वर्ष पहले मंदिर परिसर में खुदाई करवाई थी। शोध अधिकारी डॉक्टर धुबेंद्र जोधा ने बताया कि यहाँ पर शुंगकालीन प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर 2000 वर्ष पुरानी मिट्टी के बर्तन, ईंट आदि भी प्राप्त हुई है और साथ ही करीब 1000 वर्ष पुराना शिव मंदिर, चतुर्भुजी चामुंडा, अष्टभुजी गणेश की मूर्तियां भी यहाँ पर मिली है और इन्हीं के चलते महाकाल मंदिर धर्म संस्कृति इतिहास के रहस्यों को जानने और समझने का प्राचीन केंद्र भी है। महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही उज्जैन के 5000 वर्षों के लिखित पूजित इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा। महाकवि कालिदास और जनकवि तुलसीदास की रचनाओं में महाकाल मंदिर एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज ने भी इस मंदिर में निर्माण कार्य करवाया था। बाद में हर कालखंड में हिंदू सम्राट से लेकर सिंधिया वंश के राजा यहाँ पूजन अर्चन करते रहे। ये भूमि सदियों से भारत के शास्त्रों ग्रंथों में उल्लिखित और लोक जीवन में पूजनीय है। महाकाल मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसे वर्ष 1734 से लेकर 1863 के बीच मराठा शासकों ने बनवाया था।
तो यह है महाकाल लोक के कायाकल्प की पूरी कहानी। उज्जैन में दिव्य और ऐतिहासिक महाकाल लोक बनकर तैयार हो चुका है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस दिव्य और अलौकिक रूप को देखकर आपकी भी नजरें नहीं हटेगी। दिन में यहां का नजारा किसी देवलोक से कम नहीं होता और यही नजारा रात में भी किसी देवलोक से कम नहीं होता। फिलहाल एमके न्यूज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।